हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। मैं हूं अनुष्का और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे मेकअप किट में, मेरे मेकअप वाले बैग में क्या क्या सामान है और मैं उसका रिव्यू भी दूंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये रहा मेरा कॉस्मेटिक बैग। और ये बैग जो है ये मैंने ख़रीदा था हैदराबाद से। तो ये बैग मेरे साथ लास्ट 3 साल से है। लास्ट 3 साल से मैं कॉस्मेटिक्स अपना इसी बॉक्स में रखती हूँ। और चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसका चेन यहाँ से बंद है तो इतना सारा कॉस्मेटिक्स है मेरे पास। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो मेरे पास इतने मेकअप किट हैं। इसमें नील पेंट इंक्लूड नहीं किया है मैंने, क्योंकि जो नील पेंट जो होता है मैं हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही रखती हूँ, अपने फ्रिज में ही रखती हूँ। क्योंकि जो नील पेंट जो होता है वो ऐसे बाहर रखने से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि रेफ्रिजरेटर में ही वो सेफ रहता है। तो इसको मैं आपको एक एक करके रिव्यू बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ये परफ्यूम का, जो मेरा फेवरेट परफ्यूम है, और वो है वुमन इंगेज परफ्यूम, जो कि मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है और ये आपको बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ये वुमेन का परफ्यूम है W1। तो अभी तक मैंने इतना यूज़ कर लिया है और ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट इसे मैं हमेशा कॉस्मेटिक्स का या कोई भी प्रोडक्ट ना अमेज़ॉन से या फिर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि बाहर से मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। अमेज़ॉन पे या कोई भी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है उस पर आपको डिस्काउंट इजीली मिल जाता है और आप इजीली वहाँ से परचेज कर सकते हो एट अ डिस्काउंट। तो अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा फेवरेट है। ये आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, इंगेज का परफ्यूम, और उसका प्राइस है 200 रुपीज़। तो आपको 200 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगा। सेकेंड जो प्रोडक्ट मैं अपने फेस के लिए, फेस पाउडर जो यूज़ करते हैं लोग, तो मैं टैल्कम पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं एक ब्रांडेड पाउडर यूज़ करती हूँ। तो मेरे लिए मेबेलिन वाइट सुपर फ्रेश पाउडर मुझे बहुत पसंद आता है और ये मेरा फेवरेट है। तो मैं इसको अभी परचेज की हूँ, इसका मैंने अनबॉक्सिंग डाला था। तो मैं ये मेरा फेवरेट है। ये मुझे पता है सबसे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली है और आपको इसको आराम से इस मिरर में अपना देख सकते हैं फेस कहीं पे भी। तो ये मेरा फेवरेट है, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये पाउडर लगाने से ना बिल्कुल सच में सुपर फ्रेश आपका फेस लगता है और इसमें 12 आवर्स तक आपको पसीना ये अगर आता है तो भी आपका मेकअप ख़राब नहीं होता है। तो मेबेलिन के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मेबेलिन के का जो लिप बाम होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। मेबेलिन के फाउंडेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। मेबेलिन का जो ये फेस पाउडर जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। तो ये जो फाउंडेशन जो है ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मैच करता है, तो इसीलिए ये मेरा फेवरेट है। और ये मुझे मार्केट में इजीली अवेलेबल था तो इसलिए मैंने परचेज किया था। इसको मैंने अमेज़ॉन से नहीं मंगाया है। तो ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। फोर्थ प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस के लिए, तो अपने स्किन के लिए, हाइजीन के लिए, तो वो यूज़ करती हूँ मैं लेयर वाटर गर्ल। ये मैं पार्टी वगैरह फंक्शंस में जाती हूँ तो बिल्कुल लाइट सा सूदिंग सा स्मेल चाहिए आपको होता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ज़्यादा तड़क भड़क पार्टी में उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा परफ्यूम से चक्कर आने लगता है। कुछ लोगों को होता है, अगर आपको अगर सूट करता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं सूट करता है तो प्लीज़ को यूज़ ना करें। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। एंड लिपस्टिक मेरे पास ये वाला है लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ LE18 का। तो LE18 का मैं ये लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। शेड्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये एक लाइट पिंक है जो कि डस्क के स्किन टोन के लिए बिल्कुल मैच करता है। इसको आपको 2 कोट में लगाना होता है तभी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आता है। और अगर आपका स्किन टोन वीटिश है या वाइटिश है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये लिपस्टिक जो है, ये मैंने परचेज़ नहीं किया था, ये मुझे अभी मेरा बर्थडे था तो मुझे गिफ्ट में मिला था। तो ये लिपस्टिक जो है वो ADS का है, आई डोंट नो कि ये लोकल है या क्या है।
तो इसका भी कलर मुझे काफ़ी ठीक लगता है, ये लाइट ऑरेंज कलर में है। तो मेरी स्किन थोड़ा मेरा स्किन जो है वो थोड़ा व्हाइटिश है, तो इसलिए ये मेरे स्किन टोन से परफेक्टली मैच कर जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मैं यूज़ करती हूँ नेचुरल प्रोडक्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो मैं फ्रूट एंड अर्थ, फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस पैक यूज़ करती हूँ। हर संडे के संडे मैं अपने फेस पे लगा करके इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे वो जो पिंपल प्रॉब्लम जो होता है वो मुझे है। बिकॉज हमारे स्किन में जब हार्मोन जब चेंज हमारे बॉडी में जब हार्मोन चेंज होते हैं तो हमारे फेस पे पिंपल आ जाते हैं। तो मैं पिंपल से बचने के लिए ये मैं यूज़ करती हूँ, और ये 100 मिलीलीटर का पैक है जो कि आपको 270 रुपीज़ में मिल जाता है। तो मैं आपको इसको मात्र वीक में एक बार यूज़ करना होता है, एटलीस्ट वीक में एक बार यूज़ करिए। 2 बार यूज़ करते हैं तो